Today we will read about the conventional sources of energy and non-conventional sources of energy. First of all, we know about the conventional sources of energy. Number first point है conventional sources of energy have been in use. जो conventional sources of energy है ये use में है, प्रयोग में है since the time immemorial. बहुत पहले के time से ये use में है. Most of them especially और उनमें से ज्यादातर विशेष रूप से fossil fuels. जो fossil fuels है आर लिमिटेड, ये बहुत लिमिटेड मात्रा में पेट्रोलियम डीजल ईटीसी आर इनएडजस्टेबल और ये एडजस्टेबल है मतलब नष्ट होने वाले हैं और आगे फ्यूचर टाइम में ये सोर्सेज. नंबर थर्ड दे इमिट स्मोक एंड एस, वो स्मोक और एस धुआं और राख को इमिट करते हैं ऑन द बर्निंग, जलने पर या धुआं देते हैं राख उत्पन्न होती है एंड काज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और इनके कारण पर्यावरण संबंधी जो प्रदूषण है वह हैपिन होता है. एज द सप्लाई जो फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड और सप्लाई जो होते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो लिमिटेड है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव और ये बहुत अधिक कीमती है, एक्सपेंसिव है. नेक्स्ट नंबर पॉइंट सिंपल माइनिंग एज वेल एज मॉडर्न टेक्नोलॉजी. साधारण माइनिंग और जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो तकनीक है आर इन्वॉल्व ये समृद्ध होती है. इंडियन प्रोडक्शन इनके उत्पादन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है. नेक्स्ट नंबर सिक्स कोल मिनरल आयल एंड नेचुरल गैस एंड हाइड्रल पावर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्सेज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैव बीन पुट इन्हें रखा गया है तो यूज प्रयोग में इन रिसेंट पास्ट पिछले समय से. दीज रिसोर्सेज आर इन एडजस्टेबल, ये रिसोर्सेज नष्ट ना हो कभी नष्ट ना होने वाले हैं. इन एडजस्टेबल है एंड रिन्यूएबल और ये रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है. दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज आर एडजस्टेबल एंड रिन्यूएबल. नेक्स्ट नंबर पॉइंट दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली और ये पर्यावरण के लिए फ्रेंडली है, मित्रपथ है, इको फ्रेंडली है एज दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, क्योंकि ये पॉल्यूशन उत्पन्न नहीं करते हैं, इनके द्वारा कोई भी प्रदूषण नहीं होता है. नेक्स्ट नंबर पॉइंट एज दे आर फ्लो रिसोर्सेज, चूंकि ये फ्लो रिसोर्सेज है फ्रीली फाउंड इन नेचर, ये मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से नेचर में पाए जाते हैं. इन अबंडेंस प्रेशर मात्रा में अदर देन द एटमिक एनर्जी, एटमिक एनर्जी के अलावा दे आर लेस एक्सपेंसिव, वो बहुत कम कीमती है. नेक्स्ट नंबर पॉइंट एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, जो एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है वैज्ञानिक तकनीक है इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, इनके उत्पादन में वह इन्वॉल्व होती है समृद्ध होती है. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी एंड जियो थर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम द अर्बन वेस्ट और जो एनर्जी अर्बन वेस्ट मटेरियल से प्राप्त होती है आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दी पर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी राइट एज यू लर्न अबाउट conventional and non-conventional sources.